मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कई परिवारों पर इसका असर पड़ा है। अगर घर से बाहर निकलें तो कोरोना वायरस का खतरा है और घर में ना पैसा है ना अनाज, सिर्फ उम्मीद बची है मदद की, जो हर वक्त राह देखती है कि कोई उनके लिए राशन या फिर खाना उन्हें देकर उनकी मदद करेगा। मुंब्रा में ऐसे कई लोग और कई तंजीमें हैं जो लोगों तक राशन या फिर खाना देकर उनकी मदद कर रहे हैं। मुंब्रा शहर में शाहीन बाग की तरफ से भी लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही अनवर भाई और करीम खान की तरफ से भी राशन खाना ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे और भी कई लोग हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ तंजीमें हैं जैसे जमात इस्लामिया और जमीयतुल उलमा हिंद या फिर दर्दमंदा ने, इनकी तरफ से भी ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। मगर अब हम आपको एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान की तस्वीरें दिखाते हैं जो सड़कों पर उतरकर पुलिस के साथ वाहन चालकों की जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या ये घरों से बेवजह निकले हैं या फिर इनके घर से निकलने की कोई वजह है। कई चालकों को तो आगे भी नहीं जाने दिया, इन्हें वापस लौटा दिया। ऐसे ही शमीम खान दो दिन से कह रहे हैं कि मुंब्रा शहर में 5 लाख लोगों का खाना बनेगा, सेंटर बनेंगे, मगर कब बनेगा कुछ पता नहीं है। शमीम खान का कहना है कि खाना बनेगा और लोगों को सेंटर में आके खाना लेकर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां खाना पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी कब बनेगा इसका कुछ पता नहीं है। सुनिए खुद शमीम खान से क्या कह रहे हैं। साला दुनिया परेशान है, तुमको अक्कल नहीं है क्या? कोई भी गरीब, कोई भी इंसान खाली पेट नहीं सोएगा कलवा मुंब्रा के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सोच है। इस तरीके से हमने पूरे मुंब्रा कोसा में हम लोग सेंट्रलाइज, हम लोग जो है कम्युनिटी हॉल सेंटर बना करके हम लोग खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल दोपहर से 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, शाम 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक खाने का भी ये सिस्टम चालू हो जाएगा कि वो खाना बना करके लोगों के घर में लोगों के बांटना नहीं होगा तो समस्या पैदा हो जाएगी, घर में लोगों के तेल नहीं होगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसके लिए हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब ने ये सब इंतज़ाम किया है और उन्होंने कम्युनिटी सेंटर को फाइनलाइज कर दिया है। तकरीबन 17 कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं मुंब्रा कोसा के अंदर और उस कम्युनिटी सेंटर के बारे में कल आपको हमारे मंत्री महोदय खुद ऐलान करेंगे, एक एक नाम बताएंगे कि ये सेंटर जो जहाँ नज़दीक का है वहाँ जाए और खाने का थैली ले ले और आए बच्चों के साथ अपने खाना खा के सो जाए। यही हम आपके माध्यम से विनती करते हैं। कितने लोगों तक का खाना बने? तकरीबन 5 लाख लोगों तक का टारगेट हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब का है और हम सब लोग मिल करके उनके साथ में। आप कह रहे हैं वहाँ लोग जाएं तो ऐसे में लोग बाहर निकलने का मनाही, तो फिर कैसे लोग बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचेंगे? पुलिस ने मुकर्रर किया है, हाँ। यानी सब्जी लाने का छूट दिया है, उसी वक्त में हम वो टाइम तय करेंगे और रोड से नहीं जाना है। अगर मेरे घर में 25 लोगों का फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है तो मुझे अकेला जाना है और डाल के थैली में लेकर के आ जाना है, जाके वहाँ खाना नहीं खाना है। ठीक है, अगर दोपहर 11 बजे वो जाते हैं तो क्या दोपहर और शाम दोनों वक्त का खाना उन्हें दिया जाएगा? जी साहब, दोनों वक्त का खाना दिया जाएगा, यानी दोपहर का भी खाना है और शाम का भी खाना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।